दोस्तों आजकल मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपके सामने प्रोड्यूस करता हूं। तो आज का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, वो है कि क्या दाखिल खारिज के आधार पर कोई व्यक्ति जमीन का मालिक बन सकता है या नहीं। इसी मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, आइए अपने कुछ हम साइटेशन के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार किसी भी संपत्ति के ट्रांसफर का बेसिक प्रिंसिपल है, बुनियादी आधार है कि या तो संपत्ति ट्रांसफर की जाएगी सेल डीड के द्वारा, विक्रय पत्र के द्वारा, या डीड ऑफ गिफ्ट के द्वारा, दान पत्र के द्वारा, या विल के द्वारा, वसीयत के द्वारा, या दोस्तों रिलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा, हक त्याग प्रमाण पत्र के द्वारा। दोस्तों कोई भी डीड अगर आप एग्जीक्यूट कर देते हैं उसके बाद आप दाखिल खारिज कराने जाते हैं, तो दाखिल खारिज मात्र टाइटल का आधार नहीं हो सकता। टाइटल के आधार के लिए जरूरी है वो हस्तांतरण का दस्तावेज, जो गिफ्ट के रूप में हो, सेल के रूप में हो, विल के रूप में हो, या रिलिंक्विशमेंट के रूप में हो। म्यूटेशन सिर्फ पोजीशन राइट देता है दोस्तों, आपका पोजीशन राइट को कंफर्म स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है म्यूटेशन के अंदर में। अगर आप किसी जमीन का दाखिल खारिज करवा लेते हैं, इसका मतलब है कि उस जमीन पर वर्तमान में आपका कब्जा है, सरकार ने इसे कंफर्म कर दिया, और कब्जाधारी से सरकार टैक्स लेती है, इसीलिए आपको रेंट देना पड़ता है और रिसीट लेना पड़ता है दोस्तों। तो आइए आप देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा। जितेंद्र सिंह भस इज स्टेट ऑफ एमपी, ये 2021 का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों। यह जजमेंट है SC नंबर 802, इसका साइटेशन नंबर है 802 दोस्तों। तो आइए इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति मात्र दाखिल खारिज के आधार पर किसी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता, उसके लिए उसे टाइटल ट्रांसफर का दस्तावेज दिखाना ही होगा। जब तक टाइटल ट्रांसफर का दस्तावेज प्रूफ नहीं होता, मात्र दाखिल खारिज के आधार पर वह व्यक्ति उस जमीन का मालिक नहीं बन सकता। अपने इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा दोस्तों कि म्यूटेशन सिर्फ आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है, म्यूटेशन पोजिशनरी राइट है। यानी म्यूटेशन का मतलब ये माना गया कि आपका सिर्फ जमीन पर कब्जा है, न कि उस जमीन पर मालिकाना हक है। यानी म्यूटेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। अब दोस्तों आइए समझते हैं दूसरे साइटेशन के माध्यम से, दूसरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम। कमिश्नर बरुहात बेंगलोर महानगर पालिका बनाम फैसल खान, ये दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 5743 ऑफ 2020। इसका SLP नंबर है दोस्तों 5743/2020। इसी नंबर के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं इस जजमेंट को। अपने इस जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अचल संपत्ति पर सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर उसका मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास नहीं हो जाता जो व्यक्ति उस जमीन पर दाखिल खारिज या जमाबंदी करवाए हुए है। दाखिल खारिज और जमाबंदी सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है, पोजिशनरी राइट दिया गया है। यानी वह व्यक्ति जिसका जमीन पर कब्जा है, उस कब्जाधारी से टैक्स वसूलने के लिए सिर्फ रेंट रिसीट का इस्तेमाल किया जाता है, दाखिल खारिज का इस्तेमाल किया जाता है, इससे किसी को उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता दोस्तों। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि परिवार में 5 सदस्य, 5-6 भाई हैं, किसी एक भाई के नाम पर सारा दाखिल खारिज हो चुका है, तो क्या अन्य भाई को हिस्सा नहीं मिलेगा? अन्य भाई का भी हिस्सा है दोस्तों, अन्य भाई को भी हिस्सा मिलेगा। आइए दोस्तों इस मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले जजमेंट में क्या कहा। इसका केस है दोस्तों सीताराम भाव पाटिल बनाम रामचंद्र नागो भाव पाटिल। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 17/12। दोस्तों अपने इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। एक परिवार में 20 सदस्य या 10 सदस्य हैं, उसमें एक सदस्य के नाम पर दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है, तो अन्य सदस्यों का भी उतना ही शेयर होगा जितना उस व्यक्ति का शेयर है जिसके नाम पर म्यूटेशन होगा। यानी म्यूटेशन के आधार पर, दाखिल खारिज के आधार पर, जमाबंदी के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने जमीन का मालिक नहीं बन सकता। ट्रांसफर के लिए जरूरी है कि उपरोक्त बताए हुए विधि, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है दोस्तों, कि ट्रांसफर तभी माना जाएगा जबकि सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ हो, डीड ऑफ गिफ्ट एग्जीक्यूट हुआ हो, विल एग्जीक्यूट हुआ हो, या रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट हुआ हो, अन्यथा अन्य कोई भी तरीका संपत्ति ट्रांसफर का नहीं है दोस्तों। इसलिए अब आप क्लियर समझ गए होंगे 3-4 जजमेंट के द्वारा दोस्तों कि मात्र म्यूटेशन या दाखिल खारिज के आधार पर या जमाबंदी के आधार पर आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते। आजकल देखते हैं गांव में कुछ दबंग लोग होते हैं जो बलपूर्वक CO से कॉन्टेक्ट करके, CO से मेल मिलाप करके, तहसीलदार से मेल मिलाप करके आपकी जमीन पर दाखिल खारिज कराकर कब्जा कर लेते हैं, तो क्या वो जमीन उनका हो जाएगा? नहीं दोस्तों। अगर इस तरह की समस्या किन्हीं लोगों के पास है, तो उपरोक्त बताए गए ये 3-4 जजमेंट के आधार पर आप कोर्ट में जाकर के अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।